तो दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है मोहम्मद शाह का मकबरा, सैयद वंश के तीसरे शासक थे और इनसे जुड़ा हुआ जो इतिहास है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं पानी की सुविधा यहाँ पे एब्सोल्युटली सही है। तो दोस्तों ये देखेंगे आप काफी अच्छे इसमें आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये रास्ता इस मकबरे की छत पर जाता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर गया हूँ लोधी गार्डन और ये दिल्ली का बहुत बड़ा पार्क है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई टिकट प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें घूम सकते हैं। और दोस्तों आपको इसके नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन है वो पड़ेगा आपको जोरबाग और जो सफदरजंग मदरसा है उससे सीधा रोड आता है यहाँ पे। और आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, इससे जुड़ा हुआ इतिहास बताऊंगा। और दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें तीन वंशों का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये आपको पड़ेगा लोधी रोड पे और इसके अंदर से मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक चीजें हैं इसके अंदर जिनके बारे में आप लोगों को हिस्ट्री बताऊंगा और उनसे जुड़ी हुई बातें बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो देख रहे हैं आप ये लोधी गार्डन लिखा हुआ है और ये इसका मेन गेट है। तो चलिए अब हम आप लोगों को इसके अंदर से दिखाते हैं, आइए। दोस्तों ये मेन गेट है लोधी गार्डन का और आप इसकी टाइमिंग देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं लोधी गार्डन में और हम आप लोगों को इसका पूरा विजिट कराएंगे, इसमें जो भी चीजें हैं सारी उनके बारे में इतिहास बताएंगे और उनसे जुड़ी हुई सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर आ चुके हैं और जैसे ही आप चलेंगे तो आपके राइट साइड में पड़ेगा बोंसाई पार्क और जैसे ही आप सामने से जाएंगे तो देखेंगे कि फ्रंट पे आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों लोधी गार्डन में बहुत सारे मोन्यूमेंट हैं और ये जो मोन्यूमेंट आप देख रहे हैं इसका नाम है बड़ा गुम्बद, इसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं पानी की सुविधा यहाँ पे एब्सोल्युटली सही है, देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है पेयजल निःशुल्क, तो यहाँ पे पानी वगैरह का इंतजाम है भाई। और अभी मैं फिलहाल आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ जो इस गार्डन में सबसे पहला जो मकबरा है वो सैयद वंश के टाइम का है, वहीं मैं आप लोगों को लेकर के जाने वाला हूँ। तो अभी हम चलेंगे लेफ्ट साइड अपने जहाँ पर वो मकबरा है। तो जैसे आप लेफ्ट साइड से जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक आयुर्वेदिक गार्डन देखने के लिए मिलेगा बाग। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हर्बल गार्डन है और आपको पता ही होगा हर्बल आयुर्वेदिक की चीज़ें होती हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे आयुर्वेदिक के पेड़ मिल जाएंगे, जैसे ये अश्वगंधा है और भी बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं आकर के। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मोहम्मद शाह का मकबरा जो कि सैयद वंश से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मोहम्मद शाह का मकबरा। तो ये रास्ता उन्हीं के मकबरे के लिए जाता है। तो दोस्तों ये रास्ता आप देखेंगे मोहम्मद शाह के मकबरे के लिए जो जाता है, तो यहाँ पे एक ब्रिज है और इस ब्रिज पे आप काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट निकाल सकते हैं रिगार्डिंग फोटोशूट, लाइक यहाँ पे पोजेस खड़े करके और थोड़ा सा वॉकिंग करते हुए जाएंगे, मतलब काफ़ी सारे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर राज कर रहे थे भारत में तो इस पार्क का नाम उस टाइम पे था लेडी विलिंगटन, लेकिन उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो इस पार्क का नाम रख दिया गया दोस्तों लोधी गार्डन। और लोधी गार्डन्स का नाम मे भी शायद इसलिए रखा गया हो क्योंकि उसमें लोधी वंश के टाइम के काफी सारे मकबरे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है मोहम्मद शाह का मकबरा और दोस्तों इनका जो शासन रहा है वो रहा है 1434 से लेकर के 1444 तक। और दोस्तों ये सैयद वंश के तीसरे शासक थे और इनसे जुड़ा हुआ जो इतिहास है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मोहम्मद शाह के मकबरे का इतिहास बताने वाला हूँ। सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह थे जिनका शासन 1434 से लेकर के 1444 तक रहा। इनका शासनकाल इसलिए भी जाना जाता है कि उस दौरान सर हिंद के अफगान सूबेदार बहलोल लोधी ने पंजाब के बाहर अपना प्रभाव बढ़ा लिया था, वह लगभग स्वतंत्र हो गया था। इसी दौरान मोहम्मद शाह का पुत्र और उनका उत्तराधिकार अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली के शासन का भार अपने एक साले और शहर पुलिस अधीक्षक का भार दूसरे साले पर छोड़कर बदायूं चला गया था।
उसके जाने के बाद दोनों ही अलग थलग पड़ गए और सन 1451 में बहलोल लोदी ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों ये था मोहम्मद शाह के मकबरे का इतिहास जो कि सैयद वंश के तीसरे शासक थे। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं मोहम्मद शाह के मकबरे के अंदर और आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं ASI के जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और ये भी इमारत जो है वो ASI के अंडर आती है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की प्रोटेक्शन करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इनका मकबरा दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस मकबरे के अंदर लेकर के चलता हूँ। तो जैसे आप इस मकबरे के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप कब्र है यहाँ पे और ये किनकी है नाम मेंशन नहीं है, मे बी शायद जो मोहम्मद शाह की होगी वो बीच वाली होगी और इनकी जो कब्र मेन होती है वो नीचे होती है, तो ये एक आर्टिफिशियल कब्र बना रखी है। तो दोस्तों अभी फिलहाल हूँ मैं मोहम्मद शाह के मकबरे के अंदर जिसमें कि आपको 8 कब्र देखने के लिए मिल जाएंगी और जो मेन सेंटर पे है वो है मोहम्मद शाह की कब्र। बाकी की आपको मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये लोदी वंश से ताल्लुक रखता है स्ट्रक्चर और जिसका आप डिजाइन देख सकते हैं अंदर से। तो दोस्तों ये देखेंगे आप काफी अच्छे इसमें आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो ये डिजाइनिंग देख सकते हैं आप जिसके अधिकांश कलर छोड़ते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप उधर ये लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अभी ये पूरा आप इसका एक बार व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मोहम्मद शाह का मकबरा का व्यू अंदर से और अब मैं आप लोगों को इसकी गैलरी दिखा रहा हूँ और सेम इसी टाइप का मकबरा आजम खान का बना है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था व्लॉग में कि वो मकबरा इस तरीके का क्यों बनाया गया था, क्योंकि मुगल वंश जो है वो लोदी वंश को गद्दार मानते थे और इसी कारण से काफी सारे चेंजेस हैं। तो काफी अच्छी डिजाइन है, फूल पत्तियां आप देख सकते हैं और यहाँ देखेंगे आप बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये। और दोस्तों इस मकबरे के अंदर जाने का रास्ता भी है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं आप इससे इस मकबरे के अंदर जा सकते हैं, ये रास्ता इस मकबरे की छत पर जाता है। तो अभी बंद कर दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप ये गेट और है इसके अंदर जो कि बंद है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो था मोहम्मद शाह का मकबरा और अभी हम जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पे दूसरा मकबरा दिखाने के लिए। तो चलिए, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप ये इस मकबरे के बाहर का दरवाजा है और अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ दोस्तों दूसरे पॉइंट पे।